सत नमो आदेश गुरु महाराज जी को आदेश। आज हम जो योग और अध्यात्म के विषय में जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे पुराणों के बारे में। ये पुराण हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन पद्धति है, किस प्रकार इन पुराणों का हमारे सोच और सनातन पद्धति और धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। पुराण शब्द का जो शाब्दिक जो उत्पत्ति है उसके बारे में अगर हम विचार करें तो पुराण का मतलब पुरातन, पूरा या प्राचीनतम, कोई ऐसी चीज जिसका संकलन किया गया हो। तो अगर हम टाइम फ्रेम या हिस्टोरिकल इसकी टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा करें, सोचें, तो जो वेद हैं वह पुराणों के पहले लिखे हुए शास्त्र थे, पर पुराणों में अलग अलग तरीके से 18 अलग विषयों के ऊपर हमारे ऋषि मनीषियों ने अपने विचारों को संकलित किया है। तो कुल मिलाकर पुराणों की जो संख्या है वह तो 18 है, जैसे कि ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण इत्यादि इत्यादि। तो इसमें हमें ये बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि पुराणों में सबसे बड़ा जो महत्व ये है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर जो ऋषि महर्षि द्वारा लिखी गई ये संरचनाएं नहीं है, यह अलग अलग समय पर लिखी गई हमारे ऋषियों महर्षियों द्वारा संरचनाएं हैं। तो हालांकि महर्षि वेद व्यास को वेदों और पुराणों का जो संकलन करना, उसको कंपाइल करने का श्रेय दिया जाता है, पर इस बारे में ये कहना बहुत जरूरी है कि आजकल जो पुराणों का जो वास्तविक स्वरूप, जो मौलिक स्वरूप है, हमारे पास अधिकांशता जो है अवेलेबल नहीं है। तो इस विषय में एक डिस्पैरिटी ऐसी ऐसी आती है कि जैसे कि हमारी लोक गाथाओं में आज भी हमारे कुछ समाज के लोग, जैसे भाटी समाज के लोग, जो लोक गाथाओं में जो पुराणों का जो विवरण देते हैं वह जो विवरण लिखित विवरण से थोड़ा सा भिन्न होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मान्यताओं और विचारों को लेकर के हमारे पास पुराणों में भी कुछ कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ कुछ फर्क दिखता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मौलिक स्वरूप में हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ अभी प्रेजेंटली वर्तमान में हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो अधिकांशतः अगर हम सुपरफिशियली सरसरी तौर पे देखा जाए तो पुराणों में कुछ देवी देवताओं के बारे में, व्याकरण के बारे में, शास्त्र विज्ञान के बारे में और अन्य किसी होते हैं, रिचुअल अर्थात कि रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर बहुत सारी चीजों को हम संगठित करें, देखें, तो पुराणों में चार या पांच जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास सामने उभर करके आते हैं। पहला तो है सर्ग। सर्ग में जैसे कि हमारे पास पंच महाभूतों और हमारी प्रकृति के बारे में जैसे उत्पत्ति हुई है, जैसे कि एवोल्यूशन हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का और जीवों का, उसके बारे में कहा गया है। दूसरा आता है प्रतिसर्ग। इसमें पूरे संसार की उत्पत्ति और उसके जो जीव हैं, चर और अचर, जीवित जो मूवेबल और इमूवेबल जो जितने भी चीजें हैं उसकी उत्पत्ति और उसके जो डेवलपमेंट, उसकी जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रगति की तरफ चले गए उसके बारे में विचार और उल्लेख किया जाता है। तीसरा जो पाठ जो पुराणों में लिखा गया है वह है वंश। वंश में जैसे कि चंद्रवंश, सूर्यवंश, उनकी वंशावली कैसे, उसकी उत्पत्ति हुई, कितने आगे चलकर उनकी जनरेशंस आई, कैसे कैसे राजाओं के अलग अलग जो पुत्र हुए उन्होंने अपने अपने जो गोत्र व्यवस्था है उसको जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऋषि ऐसे हुए जिनके ऊपर की गोत्र बन गए, जैसे कि कश्यप ऋषि, भार्गव ऋषि और अन्य ऋषि। तो इस प्रकार से गोत्रों की उत्पत्ति के बारे में भी वंश और वंशावली हमको पुराणों के अंदर मिलती है।
इसके बाद आता है कि मन्वंतर। मन्वंतर जैसे कि कुछ हमारे जो संज्ञान है कि मनु कितने प्रकार के होते हैं, मनु कहाँ से पैदा हुए और मनु के कितने पुत्र थे, उसके बारे में भी बहुत विस्तार से हमारे जो पुराणों में लिखा गया है। उसके बाद जो पांचवा जो उल्लेख लक्षण हमारे पास जो पुराणों का आता है वह है वंश वंशानुचरित, यानी कि किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति हमारे जो वंश है आगे आगे चलते रहे और किस प्रकार से वह उनका उनका जो ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में सबसे अच्छी बात यह है कि देवी देवताओं के उल्लेख तो है ही, उनके गुणों के बारे में भी बताया गया है और साथ ही उनके जो अवगुण हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। यह हमारे सनातन पद्धति की बहुत अच्छी बात है कि गुणों को भी और अवगुणों को भी बराबर तौर से उल्लेखित किया गया है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एक मेंटल सेटअप और अपनी जो है मानसिक स्तर है कि अपने अवगुणों को भी दर्शाना या किसी अवगुणों को भी उल्लेख करना ताकि जनमानस के ऊपर कोई भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बल्कि लोग ये समझे कि प्राकृतिक तौर से हर एक इंसान देवी देवता या किसी अन्य कोई भी चीज है उसमें गुण और अवगुण समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ लोगों में गुण अच्छे होते हैं वह देव स्वरूप हो जाते हैं और किसी में अवगुण कुछ ज्यादा होते हैं वह राक्षस स्वरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पुराणों में इस तरह के जो उल्लेख पाए जाते हैं वह बहुत ही सुंदर व्याख्या करने वाले हैं। तो वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, पर कुछ मनीषियों का ये मानना है कि पुराण 21 भी है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलकर चलें कि उप पुराण जो छोटे उनके जो पुराण है उनका जो पाठ है वह है, उनकी संख्या है 24। तो इस प्रकार से जो 24 जो पुराण है उनमें नारद रचित, आश्चर्य पुराण और ये हमारे दुर्वासा रचित द्वारा आश्चर्य पुराण जो रचित किया गया है, इसके अलावा अन्य ऋषियों द्वारा रचित छोटे छोटे पुराण और खंड इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो पौराणिक जो सभ्यता थी उसका हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। वह इसलिए क्योंकि कुछ लोग तो वैष्णव संप्रदाय वाले स्कंद पुराण या अपने विष्णु पुराण को अधिक फॉलो करते थे और इस प्रकार से वह वैष्णव संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है। और दूसरी ओर देखिए अगर वायु पुराण या जिसे शिव पुराण भी कहा जाता है वह शैव संप्रदाय के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। स्कंद पुराण के कुछ एक खंड जैसे कि केदार खंड है उसमें शक्ति और शक्ति की उपासना, उसकी उत्पत्ति, उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण अन्य संप्रदायों, शाक्त संप्रदायों या हमारी जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इस प्रकार से इस बात को बहुत ज्यादा एडमायर किया जाना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए कि हमारे जो ऋषियों महर्षियों ने आदमी के अलग अलग मानसिकता और अपने धर्म की प्राथमिकताओं को लेकर के इतने विस्तार पूर्वक हमारे ग्रंथों को मतलब लिखा। तो ये तो रही चर्चा हमारे पुराणों के बारे में। तो देव पुराण और अन्य पुराण इस बात पर आधारित है कि किसी देवी देवता की उपासना करते हुए हमें उसकी उत्पत्ति, उसके विचार, उसके स्वभाव या अन्य रूपों के बारे में भी पता लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो सनातन पद्धति में वैदिक सभ्यता और पौराणिक सभ्यता दोनों का समावेश हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारे जो संप्रदाय हैं और विभाजन में आ गए और हम लोग अलग अलग संप्रदायों में बंट गए। हालांकि मूल स्वरूप सनातन पद्धति का ज्ञान था और ज्ञान हमेशा ही शाश्वत होता है। इस शाश्वत बात को इस बात में रखना बहुत जरूरी है कि इस जैसे कि पुराण के बारे में कहा गया है और वेदों के बारे में कहा गया है कि यह इस ईस्वी में या इस ईस्वी में लिखे गए,
परंतु हमारी जो सनातन पद्धति है उसके अनुसार पौराणिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के उल्लेख हमारे बहुत ही पुराने हैं, पुराने तब के, जबकि हमारे पास व्याकरण या फिर अन्य भाषा की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तो इस बात का संज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है कि हमारी जो पौराणिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक सनातन जो धर्म है उसका जो अभिन्न अंग है, और इसको सही तरीके से पढ़ना समझना बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम और गहन विषयों के बारे में चिंतन करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। नमस्कार।